जाएगा, व्यापारी सारा तबाह हो जाएगा। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि हमें कल का दिन मंडे ट्यूजडे और कल का दिन दो, हमें ऐसा करें जी कोई 2 बजे के आसपास ऑफिस आ जाएंगे। जी सर, आपकी समस्या का हल निकाल बैठ करना जी, ऑर्डर निकाल के विचार करेंगे कि कहां पर कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। कोई इशू नहीं, ये हम चाहते हैं। देखो सर, देखो मैं बात करके आता हूं, वाहेगुरु मैं जा रहा हूं शॉपिंग के लिए, और जब जो स्पेशल जो दुकानदार आएगा वो सूट लेने स्पेशल तो नहीं सर आएगा, स्टूडेंट माइंड सर वो आएगा शूज लेने के लिए भी, सूट लेने के लिए ट्रेन लेने के लिए आएगा। जब वो वहाँ से आएगा लेने के लिए सूट ट्रेन जो भी है, यहाँ देखेगा दुकान का टाइम नहीं है 1 बजे 7 बजे तक, तो जितने गाँव से लोग आएंगे वो यही सोच करेंगे कि सुबह जाएँ माल लेकर आएँ। अब वो कौन सा दुकानदार ऐसा करेगा कि जो उनका वेट करेगा कि गाँव से लोग आएंगे अपना किराया खर्च करके तो यहाँ एक वेट करेंगे। सर हमारी ये दुकानदार जितने दुकानदार यहाँ हैं इनकी यही ख्वाहिश है कि टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाए सर, कैप रखो जरा सारे कैप रखो। उनके लिए भी दो ही मंडे और ट्यूजडे तो वाला अपनी अपनी तो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि एक कलेक्टिव थिंकिंग के साथ हमसे अलग नहीं है, सबको एक कलेक्टिव सोच के साथ इंक्लूडिंग ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग आवर मीडिया फ्रेंड्स आवर शॉपकीपर वी पीपल, हम सब एक सोच के साथ आगे बढ़े कि इस महामारी से कैसे हम बचे और हमारा कम से कम नुकसान हो। ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि नुकसान होगा। बेहतर तरीके से दुकानें खुल रही हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जिसकी दुकान बंद है उसको नुकसान है, पर कुछ चीज़ों को हमने बर्दाश्त करना है और कोशिश ये करनी है कि कम से कम नुकसान हो पर मैक्सिमम हमको लॉस मिले कोरोना को मात देने का। उसके लिए आप अपने जो आपका व्यापार मंडल है या आपके डिफरेंट यूनिट्स के जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं बैठ कर एक ब्लू प्रिंट तैयार कीजिए आप सजेशन के साथ, कम टू डी सी ऑफिस डिस्कस। जो रिस्ट्रिक्शन हैं कोविड SOPs है उनको बेहतर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, गवर्नमेंट का और हम सब का यही एम्फेसाइज है कि हमारा कम से कम लॉस हो और मैक्सिमम लाभ हो कोरोना को मात देने के लिए। इसी एक कलेक्टिव अप्रोच एक कलेक्टिव थिंकिंग के साथ हम सब जो है स्टेक होल्डर्स के साथ मिले भी हैं, बातचीत भी हुई है और हमने पूरा मार्केट का राउंड भी लगाया है। जो स्टैगर तरीके से हमारी शॉप का शेड्यूल निकला है उस शेड्यूल के मुताबिक क्या पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं है, और हमें खुशी हो रही है कि जैसे आप खुद राउंड लगा के आए हैं बहुत कम भीड़ है, लोग जो है आप काफ़ी हद तक समझ चुके हैं और जो कोविड रिलेटेड SOPs है उनका पालन कर रहे हैं। उम्मीद है और आपके मीडिया के माध्यम से हम अपील भी करते हैं कि आइंदा भी वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें ताकि हमारा देश किसी बड़ी परेशानी में मुबतला होने से। तो सर जैसे कि मार्केट वालों ने टाइमिंग को लेकर कहा है तो उसमें किस तरह मार्केट वालों ने अपनी प्रॉब्लम बताई हैं, आपने भी सुना हमने भी सुना, हमने उनसे यही कहा है कि आप आपस में जितने आप स्टेक होल्डर्स हैं मार्केट की डिफरेंट एसोसिएशन के लोग बात बात करके आ जाइए और कम विद सम गुड सजेशन ऑल्सो, और हम DM साहब के साथ बात करके एक टाइम फिक्स करके हम इनके साथ बात करेंगे, इनके सजेशंस को सुनेंगे, हो सकता है बेहतर सजेशन हो और हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो और जिससे हमें जो कोविड रिलेटेड इतनी हमारी SOPs हैं उनका ख्याल रखते हुए उनका ध्यान रखते हुए। मोर्चा प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पंच, मैं लोगों से यह अपील करती हूँ कि बिना काम के बाज़ार में ना आए, अगर किसी कारणवश बाज़ार में आना भी पड़े तो घर का एक ही सदस्य आए, और जब भी अपने घर से निकले मास्क जरूर पहने और SOP का पालन करें, पुलिस प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय